तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेस के बारे में, और एमएस एक्सेस में हमने लास्ट क्लास में क्यूरी के बारे में जाना था, और क्यूरी से ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में क्रिएट में डिजाइन क्यूरी के अंदर हमने क्यूरी क्रिएट करना सीखा था। तो डिजाइन क्यूरी में आपने जो यहाँ पे कैलकुलेशन और बाकी चीजें आप देख रहे हैं, क्राइटेरिया वगैरह लगाना आप तो सीख ही गए थे, साथ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर्मूले की कैलकुलेशन वगैरह भी आप सीख गए थे। कोई फॉर्मूला में डाउट वगैरह होगा तो मुझे बताइएगा, हम फॉर्मूला आपको पढ़ा देंगे। ठीक है सर। बात करते हैं टाइप ऑफ क्यूरी के बारे में। टाइप ऑफ क्यूरी, बेसिकली क्यूरी जो है तकरीबन चार तरह के होते हैं, पांच तरह के होते हैं। पहला होता है सिलेक्ट क्यूरी, जैसे कि कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उसको हम सिलेक्ट क्यूरी करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपेंड क्यूरी, मतलब कि अगर डेटा आपको कोई डालना है, पहले से टेबल है, नया टेबल आपको डाल, नया डेटा डालना है, उसके लिए हम अपेंड क्यूरी कहते हैं। फिर बात करते हैं अपडेट क्यूरी, प्रीवियस डाटा है वो अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट क्यूरी कराता है, उसके बाद ये आपका कराता है डिलीट क्यूरी। कोई पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है तो कॉल डिलीट क्यूरी, समझे। इसके बाद मेके टेबल और क्रॉस टेब, दोनों सिलेक्ट क्यूरी के पार्ट आते हैं। मेके टेबल, जैसे कि अभी आपने मान लीजिए क्यूरी वन को रन किया, तो ये आपका एक विजुअल वे में हुआ ना, ये क्या सर, एक कहीं स्टोर नहीं है, आपके डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, फिल्टर्ड कर। इसमें अगर कोई चेंज कर देते हैं तो आपका ओरिजिनल डेटा चेंज नहीं होता है, समझे। अब बात है कि मैं चाहता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्यूरी लगाया टेबल, और हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया कि भाई इसमें कि मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम या डेट फलाना आना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक एक तरह से ए बन गया है, मतलब कि एक तरह से अलग टेबल में क्रिएट हो गया है, ठीक है, डेटा वन के नाम से। तो मैं डिजाइन क्यूरी में जाऊंगा, सीट को सेलेक्ट करूंगा अपने डेटा टेबल को, और फिर यहाँ पे मेक ए टेबल के नाम करूंगा। अब पूछता है आपका टेबल नेम क्या है, टेबल नेम क्या है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा वन एंड ओके, ठीक है। और फिर हमने इसको लिया और क्राइटेरिया में मैंने दे दिया, तो यहाँ पे क्राइटेरिया देना ना मैं, और यहाँ जोन क्वार्टर में हम यहाँ पे क्राइटेरिया ओके क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ क्यूरी थ्री के नाम से। अब मैं जैसे इस क्यूरी को रन करूंगा, यस कीजिए, और इससे पूछेगा कौन सा ओके क्यूरी है, तो मैंने बोल दिया क्वार्टर वन वन एंड ओके करेगा, कैन नॉट डिफाइन फील्ड मोर देन वंस। एक मिनट, मैं डिजाइन टाइम में, अच्छा ये व्यू है ना, व्यू हटा देता, व्यू पे क्लिक था इसलिए। यस क्वार्टर वन एंड यस डेटा वन, इसमें आ गया डेटा आपका, जी आ गया ना सर जी क्वार्टर वन का। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप, अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा, यस करूंगा, अब यहां पे क्या हुआ कि डेटा वन को डिलीट करेगा, समझे, और ओके क्वार्टर थ्री क्वार्टर थ्री, समझे, आया हाँ सर समझ में सर। हाँ लेकिन इसको कैसे रोका जाए कि डेटा टेबल को डिलीट ना करें, तो इसके लिए हमें नॉर्मल क्यूरी में तो कोई है नहीं, इसके लिए हमें इसके सिक्वल क्यूरी पे जाना होगा, सिक्वल व्यू। ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ है नहीं।
रिटेल रिकॉर्ड फ्यूचर लाइट। अब इसको मैं एक बार ये करता हूँ, नो करता हूँ, डिजाइन यहाँ ना डेटा वन डेस्टिनेशन टेबल दिखा आप, या क्या है डेटा वन। तो क्या यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूं तो क्या होगा? तो ऐसा होगा, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ट्राई नहीं किया है। अच्छा हुआ, डेटा टू नहीं नहीं किया इसने। इसके लिए फिर हमारा वो क्रिएट टेबल वाली क्यूरी को चलाना पड़ेगा, तब जाके होगा। समझ गए? इसमें फॉर्मूला भी हम नहीं लगा सकते। ये यहाँ पे टेबल फिक्स होगा, बस क्या होगा प्रीवियस टेबल को डिलीट कर दो। समझ गए? तो मेक टेबल समझ में आ गया? मेक टेबल का यूज ये होगा, जैसे कि अगर आप जैसे कि ये हुआ ना कि क्यूरी को सिर्फ आप एक बार चलाना चाहते हो ना, ठीक है, समझ गया ना, तो उसके लिए इसका यूज होता है। लेकिन इसका यूज में हम इसमें जब एसक्यूएल ऐड करेंगे तब इसका यूज होगा। जैसे मान लीजिए ना कि आप जो है एक प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर, आपने एक एक्सेल डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें क्या होता है कि अपना सिस्टम में लोग लॉगिंग करता है, लॉगिंग करके अपना काम करता है, राइट। अब आपको ये डिटेल रखना है कि कौन कौन लॉगिंग करता है, कब कब लॉगिंग किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। जैसे कस्टमर मान लीजिए ना कि नया कस्टमर आपने क्रिएट किया, तो कस्टमर का टेबल क्रिएट करेगा ना, तो आप एक फॉर्म बनाओगे, इस क्यूरी को फॉर्म के साथ रन करोगे, समझे? इस क्यूरी में आप इस क्यूरी को फॉर्म के साथ रन करोगे, इंसर्ट क्यूरी चला के। क्यूरी और फॉर्म कैसे चलेगा सर, आप बताएं? बताया तो था मैंने आपको, क्यूरी मतलब क्यूरी के थ्रू हिसाब से मतलब फॉर्म का डिजाइन वो बनाएगा, क्या होगा कि ये फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, फॉर्म के अंदर जो भी चाहिए। अच्छा ओके ओके, हां समझ गया, क्वेरी टू फॉर्म बोल रहे आप। हां एकदम ठीक है, ठीक है। अब डिजाइन क्यूरी में आते हैं, अगली क्यूरी की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम मेक टेबल आ गई, अब बात करते हैं अपेंड क्यूरी। अपेंड क्यूरी जैसे कि आप कोई नया डेटा ऐड करना चाहते, समझे? और मैं क्या चाहता हूं कि हमारे डेटा वन के अंदर में क्यूरी थ्री का डेटा, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर क्यूरी टू का भी डेटा ऐड हो जाए, क्वार्टर टू का भी डेटा ऐड हो जाए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इन डिजाइन में गया और अपेंड क्यूरी को क्लिक किया। अपेंड क्यूरी में आपको टेबल किस में अपेंड करना है वो आपको टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे अपेंड करना है डेटा शीट। ओके, हमने पूरा ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वार्टर में दे दिया, इसी में यहाँ पे क्यों करना है, हम इसी में क्राइटेरिया लेंगे।
यहीं पे जो क्राइटेरिया है यहीं पे हम दे देते हैं बड़ी ब्रैकेट में, यहाँ पे C2 1 Q इक्वल टू ठीक Q2। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ NAS Q4। क्लास में सही तो है, तो इतनी कब क्या रहा? ये बोल रहा है सीट बिकॉज पैरामीटर फील अंडरस्टैंडिंग द रिलीज क्राइटेरिया। ओके, ये क्राइटेरिया यहाँ ऐड नहीं होगा, यहाँ ऐड होगा Q C2 1। आई थिंक फील्ड में सभी C1 जो लिखा हुआ है ना, तो हाँ ऊपर स्टार लिखा हुआ है ना, उसके लिए आई थिंक मिलेगा। हाँ स्टार में तो ऑल कर दिया हमने ना। हाँ हाँ अब ले लिया, अब मैं अपन क्यूरी चलाऊंगा। यस यस, अब देखिए क्वार्टर वन के अंदर में नीचे देखिए, नीचे आइएगा, Q2 ऐड हो गया ना। जी तो इस क्यूरी के मदद से क्या है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन को किसी माने कि अनदर शीट में इसको कंडीशन कर सकते हैं, और इसको भी आप फॉर्म से ऑपरेट कर सकते हैं कि फॉर्म पे आप सिलेक्ट करो, चेक क्लिक करो तो डेटा उसमें ऐड हो जाएगा। सर जी समझ में आया? अब डिजाइन क्वेरी में ही आते हैं वापस। अब यहां पे अपेंड क्वेरी के बाद आता है अपडेट क्यू। अब अपडेट क्वेरी में क्या करना है, चलिए अपडेट क्वेरी में जैसे कि यहां पे आपका डेटा है, अब जैसे कि मेल है, अब इसमें डेटा 1 में ही करते हैं, फीमेल भी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपने डेटा 1 के अंदर में एक डिजाइन व्यू में जाता हूं और एक नया फील्ड ऐड कर दिया डिस्काउंट DIS, ठीक है डिस्काउंट। अब यहां पे मैं नंबर, और नंबर में लॉन्ग इंटीजर की जगह पे मैं डेसिमल ले लेता हूं, डबल सॉरी डबल डेसिमल। परसेंटेज हाँ इसको ऐड कर देता। अब डेटा 1 के अंदर में मेरा फील्ड ब्लैंक, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जहां जहां मेल है वहां पे 5% का आना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और जहां पे फीमेल है वहां पे 10%, ओके समझे। जी अब चलिए हम क्रिएट में आते हैं डिजाइन में, और डिजाइन में हम यहाँ पे अपडेट क्यूरी चलाते हैं। अपडेट क्यूरी समझ गया, जी तो मुझे किस फील्ड को अपडेट करना है। अब C1 हटा देता हूँ, इसमें नहीं करना है मुझे, मुझे करना है सो टेबल डेटा में, डेटा, और यहाँ पे हमारा डिस्काउंट डिस्काउंट दो बार हो गया डिस्काउंट। अपडेट टू मैंने बोला 5%, जब 5% का सिंबल ले लेगा 0.05 कर देता हूँ। क्राइटेरिया क्या है कि सब कैटेगरी कैटेगरी है ना, यहाँ पे देना पड़ेगा क्या
कैटेगरी इक्वल टू एम, ठीक है, और फिर यहाँ पे डिस्काउंट और यहाँ पे 0.10% और इसी को कॉपी करता हूं मैं और यहाँ और यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब क्वेरी 5 को मैं यहाँ रन करता हूँ, यस, डुप्लीकेट आउटपुट डिस्प्लेज डिजाइन व्यू में अच्छा, एक बार में एक फील्ड में एक ही कंडीशन लगाया जाए, हैंड करके कर सकते हैं ना सर यहाँ पे मैं और क्राइटेरिया में? नहीं ना, दो अलग अलग वैल्यू है ना, कैटेगरी यहाँ पे क्राइटेरिया मेल होगा, आप कर देगा, जीरो रो अपडेट कैटेगरी में कौन सा है, अच्छा सब कैटेगरी थाम कैटेगरी ले लिए, ठीक अब चलेगा, चार सौ 45 रो को अपडेट किया, ठीक है, समझ गया। सर एक ही मतलब बताइए सर, अपडेट और अपेंड में क्या डिफरेंस क्या हुआ? क्या वही तो, अपडेट क्वेरी और अपेंड क्वेरी में अपडेट डिफरेंस क्या है? क्यूरी, देखिए अपडेट क्यूरी हुआ कि आपके एग्जिस्टिंग फील्ड और एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करेगा, जैसे कि हम मेल को फीमेल कर दें या इंडिविजुअल को कुछ और को पूरा इंडिविजुअल लिख दें, जो डेटा पहले से एंट्रॉयड है उसको चेंज करना है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिया था कॉलम, भले ही नया लिया था लेकिन हमारा कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं रो के अकॉर्डिंग चलता है ना, डेटा ऑलरेडी है इसलिए इसने एग्जिस्ट डेटा था इसलिए इसको चेंज किया। और अपेंड क्यूरी क्या करता है कि कोई नई डेटा नीचे से ला के डालता है, समझे, अच्छा ये है अपेंड क्यूरी और अपडेट क्यूरी। और ऐसे ही आपका डिलीट क्यूरी, तो आई थिंक आप डिलीट क्यूरी पे अपना काम खुद से कर लेंगे, मैं कर लूंगा सर उसको, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया, और क्लस्टर क्यूरी मैंने आपको कराया ही था, याद होगा क्लस्टर कराया था ना आपको मैंने, हाँ कराया था जो ट्रांसेक्शन में जो उसको लेना है, हाँ। और तो बाकी क्लस्टर तो मुझे नहीं चाहिए, हाँ उसके बाद यूनियन वगैरह है इसको हम जो है इसमें करेंगे, क्या बोलते हैं इसमें रिलेशनशिप में, रिलेशन नहीं एसक्यूएल में करेंगे। तो यूनियन में क्या होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोड आपको, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू होता है, ठीक है। इसका व्यू देखिए, इसका व्यू एसक्यूएल पे चला जाता है, जैसे यूनियन करेंगे ना वी एसक्यूएल व्यू पे चला जाता है, एसक्यूएल करेंगे तो करेंगे करेंगे इसको पास्ट क्वेरी आपका इस पे चला जाता है। तो कल हम रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सिक्वल को पढ़ेंगे, तब तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिए।